अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो TLP का काफ़िला है वो अभी मुल्तान में है। तो आपको पता है मुल्तान वालों ने काफ़ी अच्छा इस्तकबाल किया है, तारीखी इस्तकबाल है, बड़े बड़े इस्तकबाल मैंने देखे हैं, लेकिन इस तरह का इस्तकबाल मैंने आज तक नहीं देखा। जब साहब भाई लास्ट टाइम रिहा हुए थे तब मैंने इस्तकबाल देखा था मस्जिद रहमत लिल आलमीन के पास। तो उसके बाद जो बड़ा इस्तकबाल मैंने देखा वो ये देखा है, इतना बड़ा इस्तकबाल, यकीनन जो गैर है उनकी चीखें निकली होंगी इस इस्तकबाल से। और आपको एक पैगाम वोट देना चाहता हूँ, जो दोस्त हमारे पाकिस्तानी हैं भरपूर इसमें शिरकत करें, हम तो जनाब इधर नहीं हैं इसलिए हम पाकिस्तान में होते तो ज़रूर जैसे तैसे करके हम भी जाते लॉन्ग मार्च में, चाहे लाहौर जाते, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप लॉन्ग मार्च में शिरकत करें ताकि इन जनाब हुकूमत में बैठे हुए लोगों को, इन लीडर को पता चले कि जनाब ये कितनी बड़ी पावर है, ये तहरीके लबैक कितनी बड़ी पावर है। तो अभी जो ना कुछ मुझे मैसेज वगैरह आ रहे थे कि जनाब ये मोटरसाइकिल की प्राइस में कमी हो गई है 1 to 5 70 वगैरह। उसके बाद आपको पता है कि तकरीबन 18 रुपये ना वो घी में भी उन्होंने कमी का ऐलान किया है। उसके बाद जनाब पेट्रोल तो वैसे ही कम हो रहा है आस्ता आस्ता, इंशाल्लाह और मज़ीद हो जाएगा। और ये सिर्फ तहरीक लबैक की वजह से है। और जो PTI वाले या नून लीग वाले भाई सुन रहे हैं उनसे भी जनाब आपसे भी गुजारिश है कि आप भी हक की पहचान करें और देखें पहले, इससे पहले कितने धरने वगैरह हुए थे। अभी महंगाई के वाला से किसी कोई बाहर निकला है? नहीं निकला। अगर निकला भी है काम नहीं की, पैसे खा लिए हैं, घर चले गए हैं। ये वाहद ऐसी जमात है जो जनाब आपके लिए लड़ रही है, आपके बच्चों के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए। और सबसे बड़ी बात, प्यारे आका की नमूस के लिए बाहर निकलती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आगे शेयर भी क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब भी क्या करें।